आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे त्रिकोणमितीय मान जो होते हैं उन त्रिकोणमितीय मानों को आप लोग हाथ के अंगुलियों के द्वारा याद रख सकते हैं आसानी से। और ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए, एनसीईआरटी मैथ जो लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमितीय मान उनको याद कैसे रखेंगे आप लोग फिंगर के द्वारा, इस उंगलियों को देखते हुए आप लोग मानों को कैसे याद रख सकते हैं, तो उसको आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये हाथ की उंगलियों को, ये पांचों फिंगर को यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब ये हाथ को आप लोग ऐसे या ऐसे दोनों तरह से बना सकते हैं, उससे नहीं दिक्कत है। सबसे ज़रूरी क्या है कि आप लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय मान क्या होते हैं। हमने मानों को याद रखने के लिए एक सारणी बताया था आप लोगों को। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान आप लोगों को याद रखने होते हैं क्लास 10th के लिए। तो उन मानों को याद रखना ऐसे तो कठिन है, लेकिन आप लोग उंगलियों के द्वारा याद रख सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, क्या ट्रिक है। ये जो नीचे वाली फिंगर होगी, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको मतलब समझेंगे 0 अंश, 0 डिग्री हमने बताया था। उसके बाद वाला जो ये फिंगर होगा, इसको आप लोग समझेंगे 30 अंश। उसके बाद वाला जो फिंगर होगा, इसको आप लोग समझेंगे 45 अंश। और इसके बाद वाले फिंगर को आप लोग समझेंगे 60 अंश। और ये सबसे ऊपर वाले को समझेंगे 90 अंश। इतना आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे उंगलियों को नीचे से याद रखेंगे कि ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। इतना आप लोग समझ लेंगे, या हमने बनाया भी है। अब आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए आप लोगों को साइन में मान निकालना है, साइन में मान निकालना है, तो साइन में आप लोगों को याद फार्मूला ये रखना है। फार्मूला ये होगा रूट में निचली अंगुलियों की संख्या, ये रूट में रहेगा क्या, निचली उंगलियों की संख्या और बटा में 2। यही आप लोगों को याद रखना है। अगर साइन का मान आप लोगों को बताना होगा इस फिंगर से, तो याद क्या रखेंगे, निचली उंगलियों की संख्या बटा 2, ये रूट में रहेगा, केवल ऊपर वाला संख्या, नीचे का नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभी ये समझ लेंगे आप लोग तो उंगलियों से याद भी रख लेंगे। फिर देखिए, अगर आप लोगों को कांस का मान बताना होगा, तो कांस में आप लोग जैसे निचली उंगलियों की संख्या रूट में है, तो ऊपरी अंगुलियों की संख्या ये रूट में रहेगा और बटा में 2, ये हो जाएगा कांस का मान। अब आप लोग टैन का मान देखिए कैसे निकालेंगे। टैन का मान निकालेंगे आप लोग तो रूट में रहेगा निचली अंगुलियों की संख्या और बटा में, ये भी रूट में रहेगा, ऊपरी उंगलियों की संख्या। तो ये देखिए साइन, कॉस और टेन, यही आप लोगों को याद रखना है कि साइन में जब आप लोगों को मान बताना होगा, तो निचली के तरफ की संख्या गिनेंगे, कैसे गिनना है भी आप लोग समझेंगे। और कॉस में ऊपरी उंगली रूट में रखेंगे और बटा 2 करेंगे, और इसमें बटा 2 नहीं करना है, टेन में निचली उंगलियों की संख्या रूट में और बटा में ऊपरी उंगलियों की संख्या, ये लिखना है। और साइन, कॉस, टेन आप लोग निकालेंगे तो इसी का उल्टा होता है,
कोशेक, सेक और कॉट, अगर ये तीनों आप लोग निकालना तो मान लीजिए कोशेक का हमको मान बताना है तो साइन का निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो कोशेक का होगा। ऐसे ही कॉस का हम लोग सेक का निकालना है तो कोशेक कॉस का निकाल लेंगे और इसका उल्टा मान का कर देंगे तो सेक का होगा। और कॉट का निकालना है तो टेन हम लोग निकालेंगे इस वाले से और उल्टा उसका करेंगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो हो जाएगा कॉट का। अब देखिए निकालना कैसे है, मान जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है इस उंगलियों से साइन 60 अंश का, मान ध्यान दीजिएगा आप कैसे निकालते हैं, हमको निकालना है साइन 60 अंश का मान कितना होगा। अब हमको पता नहीं है, देखिए तो हमने कौन सा बताया, ये है जीरो, यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये 30, ये 45 और ये 60, चौथे नंबर पर 60 है। और साइन में हमने क्या बताया आप लोगों को, रूट में लिखेंगे निचली अंगुलियों की संख्या। अब ये 60 है तो साइन में बताना तो हम लोग निचली उंगली लेंगे, इसके नीचे कौन सा है, देखिए 60 के नीचे कौन सा है, 1 2 3 है, अंगुलियों की संख्या गिनना है रूट में, उसको लिख देना है। देखिए 60 है तो उसके नीचे 1 2 3 उंगली है तो रूट में हम लोग लिखेंगे 3 और बटा कर देना है 2, यानी कि देखिए साइन 60 अंश का मान हो गया √3/2, यही मान होता है, आप लोग सारणी में देख लेंगे। फिर देखिए ऐसे ही मान लीजिए साइन 60 का हमने निकाला, 90 का निकालते हैं, साइन 90 अंश का हमको निकालना है मान। हमने क्या बताया, साइन में ये 90 है, निचली अंगुलियों की संख्या गिनते हैं, 90 के नीचे 4 उंगली है, यानी कि रूट में हम लोग कितना लिखेंगे 4 और बटा में कितना लिखेंगे 2, यही मान है साइन 90 का। आप लोग समझे सोचेंगे कि साइन 90 का तो एक होता है, तो देखिए ये भी एक ही है, रूट 4, थोड़ा सा हल कर लेंगे, रूट 4 का वर्गमूल होता है 2 और बटा में 2, 2 से 2 में भाग करेंगे तो एक आया, साइन 90 का मान एक होता है, जहां हल होने वाला होगा हल कर लेंगे आप लोग। अब देखिए जैसे हमने 60-90 का निकाला, मान लीजिए साइन 45 का निकालना हमको, क्या करेंगे देखिए 45 इसके बाद नीचे कितने हैं, 2 उंगली हैं तो रूट में लिखेंगे 2 और बटा हमको करना है 2। अब आप लोग सोचेंगे साइन 45 का मान ये तो होता नहीं है, तो देखिए ये नहीं होता है तो आप लोग जानते हैं परिमेयकरण करना, या तो हर का परिमेयकरण या तो अंश का परिमेयकरण। रूट 2 है, अगर हम लोग एक ही संख्या रूट 2 से ऊपर भी और रूट 2 से नीचे भी कर दें गुणा तो ये ऊपर हो जाएगा देखिए 2 और बटा नीचे हो जाएगा 2√2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बच गया रूट में 2, तो 1/√2 होता है साइन 45 अंश का मान। तो जहां हल होने वाला रहेगा आप लोग हल कर लेंगे, अगर ये मान आप लोग लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, वही मान है, उसी को बदल के ऐसे कर दिया गया है। अब देखिए हमने ये तीनों निकाल लिया, मान लीजिए हमको 30 अंश का निकालना है, लिखेंगे यहां साइन 30 अंश बराबर। अब देखिए साइन 30 अंश का हमको निकालना है मान, क्या करेंगे साइन में नीचे देखते हैं ये 0 ये 30, 30 के नीचे एक ही उंगली बचा, यानी कि हम लोग रूट में लिखेंगे 1 और बटा 2। अब आप लोग जानते हैं रूट 1 का मतलब एक ही होगा और बटा 2, यानी कि साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, यही साइन 30 अंश का मान होता है। तो आप लोग फिंगर से देखिए आसानी से मानों को याद रख सकते हैं। 0 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 0 अंश बराबर। हमने क्या बताया, निचली उंगलियों की संख्या रूट में लिखना है, रूट में। अब देखिए 0 का बताना, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, कोई उंगली नहीं है, उंगलियों की संख्या 0 है, कोई नहीं है मतलब 0 है, तो रूट में 0/2 आप लोग जानते हैं, आप 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, यानी कि साइन 0 अंश का मान हो गया 0। तो देखिए आसानी से आप लोगों ने साइन वाले का मान निकाल लिया, हमने 90, 60, 45, 30 और 0 ये बता दिया। अब देखिए ऐसे ही आप लोग कॉस में निकालेंगे तो ऊपरी उंगलियों की संख्या गिन लेंगे, रूट में लिखेंगे और बटा दो, जैसे एक आप लोग कॉस में देखिए ऐसे ही आप लोगों को कर लेना है। मान लीजिए हमको निकालना है कॉस 60 अंश का मान, तो क्या करेंगे, कॉस में हमने क्या बताया,
रूट में ऊपरी उंगलियों की संख्या, देखिए ये 60 होता है, आप लोगों को याद रखना होगा 0, 30, 45, 60, 90, तो 60 है, ऊपरी उंगलियों की संख्या ऊपर एक ही है, तो हम लोग लिखेंगे रूट में एक और बटा दो। अब रूट एक का मान एक ही होता है तो एक बटा दो हो जाएगा, यानी कि कॉस 60 अंश का मान एक बटा दो होता है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसी तरह से अगर आप लोगों को टैन में निकालना हो, टैन में, तो यहाँ टैन में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है टैन 60 अंश का मान, टैन 60 अंश। अब इसमें क्या करेंगे, पहले निचली उंगलियों की संख्या रूट में 60 है, देखिए नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, तो रूट में हम लोग लिखेंगे 3 और बटा 60 का निकाल रहा हम लोग, निचली उंगलियों की संख्या हमने लिखा और इसके ऊपर कितने उंगली हैं, एक ही है, तो बटा में रूट एक। अब आप लोग जानते हैं रूट तीन है, रूट एक को एक ही लिखेंगे, यानी कि रूट तीन बटा एक, एक से किसी संख्या में भाग करेंगे तो वही संख्या रहता है, यानी कि टैन 60 अंश का मान हो गया रूट तीन। इतने आसानी से आप लोग देखिए उंगलियों की सहायता से आप लोग त्रिकोणमिति मानों को याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे।